काफ़ी लोग ये एंगल ले रहे हैं कि एंटी पाकिस्तानी मूवी वापस एक और है कि एंटी पाकिस्तानी मूवी आ गई, आपको इस बारे में क्या कहना है? मतलब देश के, हम लोग देश के लिए ही जी रहे हैं और जो भी हमें लगता है कि हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सच्चाई का, हम वही कर रहे हैं, सो खुश तो हैं। सर ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि एक स्टार दूसरे स्टार को सपोर्ट कर रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहना? आप इस बारे में क्या कहेंगे कि एक स्टार दूसरे स्टार को प्रमोट कर रहा है? हम दोनों आउटसाइडर्स हैं इंडस्ट्री में एंड विद्यूथ माई फ्रेंड एंड आई थिंक वही करना चाहिए, राइट? अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करना चाहिए ऑलवेज। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत कम देखा जाता है, हम लोग मिसाल बनना चाहते हैं कि दोस्ती निभाई जा सकती है और बस यही है। मैडम की भी मूवी बहुत ठीक है। यस। आपको कैसी लगी ये केरला स्टोरीज? पसंद आई ना? सो प्लीज़ देखिए एंड एंजॉय। थैंक यू फॉर ऑल द लव। बताता कहीं ना कहीं यू नो मूवी बैन भी की जा रही है इस कॉन्ट्रोवर्सी की, बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया ये मूवी ने, क्या कहना चाहिए इस बारे में? आई फील वी लिव इन इंडिया, इट्स अ कंट्री जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थॉट है। इट्स नॉट लाइक अ प्लेस जहाँ मेरा कैरेक्टर जाता है मूवी में, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ थॉट और स्पीच नहीं है और मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊँगी आपसे वहाँ पे। सो इट्स गुड इफ़ पीपल आर अलाउड टू वॉच इट, आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट फ्रीडम। और उसके बाद सबके ओपिनियंस ऑब्वियसली वैलिड है, नेगेटिव या पॉजिटिव। यस, जिस तरह आपने कहा कि सबके ओपिनियंस वैलिड है, तो कहीं ना कहीं दो रिलीजन के बीच में हेट्रेड यू नो फैलाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं दो, एक बात आ रही है कि एक हिंदू जो गर्ल्स है वो कहीं ना कहीं डम है और जो मुस्लिम वो ऑलरेडी टेररिज्म की जो पहले से कहा जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो ये बातें जो लोग बोलते हैं उन पे शक करना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। एंड आई थिंक कि हम लोग ऑलवेज कहते थे कि टेररिज्म का कोई मज़हब नहीं होता है, हमेशा से मुझे तो ऑलवेज कहा गया, मेरे एल्डर्स ने कहा गया। सो आई हैव बीन ब्रॉट अप बीन टोल्ड दैट टेररिज्म डजंट हैव एनी रिलीजन अटैच्ड टू इट एंड इट डज स्प्रेड हेट्रेड। अपनी फिल्म डेफिनेटली टेररिस्ट के अगेंस्ट बहुत ही हेट्रेड हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं एंड आई होप वो और स्प्रेड हो जाए बिकॉज आर फिल्म इज़ ह्यूमैनिटी वर्सेज टेररिज्म, तो ऑफ कोर्स वी शुड ऑल अपोज टेररिज्म। सो कहीं ना कहीं लोगों को ये आप ये मैसेज देना चाहती हो कि मुस्लिम ही पर्सनली ना ले? नहीं ले रहा एक्चुअली, मूवी देखने के बाद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स हैव टोल्ड मी एंड एज फार एज हिंदू गर्ल्स बीइंग डम, आई थिंक यू कांट जनरलाइज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। पर जब भी कोई प्यार में है तो प्यार में सिली चीज़ें हम लोग सब करते हैं और वो कोई रिलीजन से fully on that. Guys, thank you, please movie dekhiye aur apni opinion diye, yeah please watch IV, ek scene hai second half mein jahan pe mind games hai, you all will really enjoy mind games thoda piche ho gaye, thoda photo kar lenge aap, theek hai sorry, ye to get ho gaya, to sorry idhar